हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि आज हम आगाज करने वाले हैं बच्चों क्रेश कोर्स की। किसकी? क्रेश कोर्स की। तो खुश हो जाइए क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स, जितने लोग भी हैं भाई खुश हो जाइए सभी लोग, क्योंकि बच्चों आज से आप लोग का क्रेश कोर्स शुरू हो गया है। और आज से हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, कक्षा 12 की इंग्लिश, क्लास 12th की इंग्लिश को हम लोग धुआं धुआं करने वाले हैं बच्चों। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पिछले कुछ दिनों से लगातार, ठीक है, लगातार आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से मेहनत नहीं हो पा रही थी जिस हिसाब से आप लोग के लिए मेहनत होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं। आप लोग को बोर्ड का एग्जाम देना है बच्चों, ठीक है, क्या देना है? बोर्ड का एग्जाम देना है। इसीलिए हमने क्या किया है कि आप लोग के सिलेबस को जल्दी कंप्लीट कराने के लिए हमने क्रेश कोर्स ला दिया आपके लिए। क्या किया बच्चों? क्रेश कोर्स ला दिया। अब हम क्या करेंगे बच्चों कि आप लोग के कोर्स को जल्दी से क्रेश कर देंगे, जल्दी से ख़त्म कर देंगे। तो क्या करेंगे सभी लोग बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। हेलो शैलेंद्र जी, ठीक है, क्या करना है आप लोग को, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, बता दो हर जगह सभी को बता दो हर जगह कि क्लास 12th 10th के लिए क्रेश कोर्स इंग्लिश का लॉन्च हो गया है। यानी कि बच्चों सभी लोगों को लिए मैंने क्या कर दिया है कि अब एक आपके लिए बच्चों हमने जो क्रेश कोर्स लॉन्च किया है, ये आप लोग के लिए रामबाण औषधि साबित होगी यूपी बोर्ड 2021 में। जो आप लोग बोर्ड एग्जाम 2021 में देने वाले हैं, 2021 का जो आपका बोर्ड एग्जाम है बच्चों, हमारा ये कोर्स आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है यदि आप सही तरीके से हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं इंग्लिश को, ठीक है। तो आपके लिए रामबाण साबित हो जाएगा 2021 के बोर्ड एग्जाम में। बच्चों करना क्या है आपको, जो भी चीजें आपको यहाँ क्लास में पढ़ाई जाएगी आप नोट्स तैयार करके पढ़िएगा, ठीक है। क्या करना है आपको, अपना नोट्स तैयार करके पढ़ना है ताकि आप अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को धार दे सकें, ठीक है, क्योंकि आप ऐसे वीडियो सुनेंगे और तुरंत तो याद हो जाएगा लेकिन बाद में आप भूल सकते हैं, इसलिए आप क्या करेंगे अपने नोट्स को तैयार करके पढ़ेंगे। अब मैं एक चीज़ आप लोग को बता दूं, इस क्रेश कोर्स को लॉन्च करने का हमारा मेन मकसद क्या है बच्चों, आज आप लोग का क्रेश कोर्स का फर्स्ट डे है। वैसे तो रोज ही इंग्लिश के क्लासेस चलते हैं लेकिन क्रेश कोर्स का फर्स्ट डे है क्लास 12th के स्टूडेंट्स का। मैंने बच्चों के लिए पोल डाला हुआ था कम्युनिटी टैब पे, तो बच्चों ने कहा था सर 8:30 बजे से आप अपने लाइव क्लास को रखिएगा और हम सभी लोग उपस्थित रहेंगे। तो बच्चों आप लोग के अनुसार ही मैंने टाइमिंग चूज की है, तो कोशिश कीजिएगा आप सभी लोग कि आप लोग 8:30 बजे उपस्थित रहिएगा। सभी को बता दीजिए कि अब हर रोज रात में 8:30 बजे ज्ञान गुरु एकेडमी पे एसपी सर के द्वारा इंग्लिश पढ़ाई जाएगी। तो आप क्या करेंगे बच्चों, रात में 8:30 बजे अपने भी आइए और अपने दोस्तों को भी लेकर आइए ताकि आपका भी भला हो और आपके दोस्त का भी भला हो। चलिए, मेरा मेन मकसद क्या है बच्चों, मेरा मेन मकसद ये है कि मैं आप लोग की जो 2021 का बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके लिए मैं आप लोग को उसके पहले ही प्रिपेयर करा दूं। क्रेश कोर्स मैंने इसीलिए लाया हुआ है, ठीक है, क्रेश कोर्स मैंने इसीलिए लाया है ताकि आप लोग का मैं सिलेबस जनवरी तक कंप्लीट करा दूं इंग्लिश का मैं, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, हमें किस तरीके से पढ़ेंगे हम, ये पहले समझ जाइए। सबसे पहले बच्चों हमने कुछ वीडियोज पहले ही दे रखी है आप लोग के लिए ग्रामर की, जैसे सिनोनिम हो गया, इंटोनिम हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो गया, होमोफोन्स हो गया। और बच्चों चले आइए लिटरेचर में, तो लिटरेचर में भी हमने प्रोज में कुछ चैप्टर्स पढ़ा रखा है, 3 या 4 चैप्टर्स होगा। तो जो चीज़ें बची हुई हैं हम वहीं से शुरुआत करेंगे, आज हम आइडियम और फ्रेसेस से शुरू करेंगे। लेकिन बच्चों एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि आपके डिमांड के अनुसार भी ये क्लास चल सकती है। आप जो पढ़ना चाहते हैं, आप यदि कमेंट करके बताएं कि सर हमें यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, हम ये चीज़ पढ़ना चाहते हैं, तो बच्चों उसके अनुसार क्लासेज आपकी एडजस्ट करा दी जाएंगी, उसी के अनुसार आपकी क्लासेज चलने लगेगी। लेकिन थोड़ा सा आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा बच्चों,
क्योंकि मैं आप लोग के लिए जो एक कोर्स लेके आया हूँ इसमें मैं 100% देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, 100% की स्ट्रेटजी लेके आया हूँ। 100% का मतलब क्या होता है बच्चों, कि 100%, यानी कि आपका यदि 100 नंबर का पेपर होगा, 100 नंबर का पेपर यदि आपके बोर्ड एग्जाम का हो रहा है बच्चों, तो मैं 100 नंबर में 100 नंबर आपको पढ़ा के भेजूंगा, 100% की तैयारी करा के भेजने वाला हूँ आपको, ठीक है बच्चों, पूरी की पूरी तैयारी मैं आपको करा के भेजना हूँ, पूरे 100 के 100 नंबर पढ़ा के। अब समझिए आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, बस हमारे साथ रेगुलर रोज 8:30 से 9 बजे तक आपको बने रहना है हमारे साथ, कितना भी जरूरी काम हो बच्चों, होली दिवाली हम तभी सब मनाएंगे, जो भी हो छठ पर्व जो भी हम तभी मनाएंगे बच्चों जब हमारा रिजल्ट खूब बढ़िया आ जाएगा, ताकि घर वालों का सीना हमारे वजह से फक्र से चौड़ा हो जाए। तो बच्चों इसके लिए मैं आप लोग के लिए क्रेश कोर्स लेके आया हूँ, जो भी आपका सजेशन हो, जो भी आपका सुझाव हो, जो भी आपका आपको पूछना हो, आपकी क्वेरी हो, सभी आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं, और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैंने आप लोग को बता दी, लेकिन एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों, आपके लिए एक सरप्राइज है। क्या है बच्चों, आपके लिए आज एक सरप्राइज और है, और वो मैं जाते जाते वीडियो के अंत में आप लोग को बता के जाऊँगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और सरप्राइज के बारे में जरूर जान जाइएगा, बहुत बड़ा सरप्राइज है, ठीक है। और देखिए वो सरप्राइज है क्या, आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं बच्चों, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 20 कितने बच्चों, 20 इम्पोर्टेंट आइडियम्स, ठीक है, कितने 20। तो क्या करना है, आइए शुरू कर देते हैं, ठीक है, वीडियो को। चलिए पहला आप सभी लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे आपके दिखाई दे रहा है बच्चों, क्या है पहला आप लोग का, ये आप लोग का ऑल इन ऑल का जो अर्थ होगा होल एंड सोल हो जाता है, मतलब क्या होता है बच्चों, सर्वे सर्वा, पूरा मतलब क्या हो जाएगा इसका, सर्वे सर्वा मतलब सर्वे सर्वा आप ही हो, ऑल इन ऑल, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज ऑल इन द डिस्ट्रिक्ट, जिले का सर्वे सर्वा कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, जैसे आपके घर में कोई गार्जियन है तो ऑल इन ऑल सर्वे सर्वा वही है, तो उसी तरह से एक जिले का गार्जियन कौन है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो कह सकते हैं ऑल इन ऑल, यानी वो सर्वे सर्वा है, होल एंड सोल, होल एंड सोल इसका क्या मीनिंग निकलेगा बच्चों, होल एंड सोल, और हिंदी में बोले तो सर्वे सर्वा, ठीक है। वाक्य प्रयोग में आप लोगों को क्या बताया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज ऑल इन द डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या है बच्चों, सर्वे सर्वा है जिले का, क्लियर है, समझ में आई बात, समझ में आई, समझ में आ रही हो बच्चों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चलिए आगे देखते हैं अगला, 8 6s and 7s, 8 6s and 7s क्या हो जाएगा बच्चों, डिसऑर्डर यानी बेतरतीब, क्या हो जाएगा, बेतरतीब, योर चिल्ड्रेन केम इन टू माई रूम एंड लेफ्ट ऑल माई बुक्स 8 6s and 7s, अर्थात आपका लड़का हमारे रूम में आया और उसने हमारे किताबों को ऐसे रख दिया जैसे बेतरतीब रख दिया, क्लियर है। अगला देखिए, अगला क्या है बच्चों, एड फ्यूल टू फायर, क्या हो जाएगा इसका अर्थ जो निकलेगा, टू मेक द मैटर वर्स, यानी कि बच्चों क्या होता है, उत्तेजना को बढ़ा देना, कहते हैं ना आग में घी डालना, आग में घी डालना, इसका अर्थ क्या निकल जाएगा, आग में घी डालना, यानी कि दो लोग के बीच झगड़ा हो रहा है तो तीसरा जाके क्या करेगा और चढ़ा देगा, आग में घी डालने का काम कर देगा, समझ रहे हो बच्चों, दो दोस्तों के बीच झगड़ा है, तीसरा आके उनसे बात करके क्या किया, आग में घी डालने का काम किया, वो आपस में क्या कर दिए, मार कर लिए, क्या कर लिए बच्चों, मार कर लिए, तो आग में घी डालने का काम किसने किया, तीसरे ने किया। चलिए इसका हिंदी में अनुवाद, इंग्लिश अनुवाद देते हैं, द ऑफिसर वाज ऑलरेडी वेरी एंग्री, ठीक है, ऑलरेडी वेरी एंग्री कौन है, ऑफिसर है, ऑफिसर वाज ऑलरेडी वेरी एंग्री, बट द डिसकॉर्टियस एंसर ऑफ रमेश एडेड फ्यूल टू द, यानी कि उसने क्या किया बच्चों, जब रमेश का आंसर सुना तो और उसको क्या हो गया, गुस्सा आ गया, मतलब आग में घी डालने का काम कर दिया इसने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऑल एंड सन्ड्री अर्थात बच्चों बिना किसी भेदभाव का, ऑल एंड सन्ड्री का मतलब क्या होगा, बिना किसी भेदभाव का, एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन, एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शंस,
प्रत्येक बिना किसी भेदभाव के, प्रत्येक बिना किसी भेदभाव के, माई फादर इन्वाइटेड ऑल एंड सन्ड्री ऑफ द लोकेलिटी टू द मैरिज पार्टी, ऑफ द लोकेलिटी टू द मैरिज पार्टी। यानी बच्चों क्या है बच्चों कि प्रत्येक बिना किसी भेदभाव के, क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग मनीष जी, गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं बच्चों क्या है आप लोग का। एट वंस इट्स एंड इंड, एट वंस इट्स विंड, टोटली कंफ्यूज्ड, टोटली कंफ्यूज्ड, पूरी तरह से कंफ्यूज यानी चकरा जाना, जिसे हम क्या कह सकते हैं बच्चों, परप्लेक्स्ड भी कहते हैं, परप्लेक्स्ड भी कहते हैं, क्या कहते हैं, परप्लेक्स्ड भी कहते हैं। द थीव्स वर एट दियर विट्स एंड व्हेन दे सॉ द पुलिस कमिंग। अर्थात बच्चों क्या है, जो चोर थे, थीव्स, थीप का आप लोग का क्या है, प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर आप लोग का है बच्चों, थीव का क्या है, थीव्स, थीव्स आप लोग का प्लूरल नंबर है, क्या है बच्चों, प्लूरल नंबर है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, वे चकरा गए, थीव्स क्या हुए, चकरा गए, किसको देखकर बच्चों, किसको देखकर, साद पुलिस कमिंग, जब पुलिस आ रही है तो उन्हें देखकर थीव्स क्या हो गए बच्चों, चकरा गए। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लग रही है, क्या आप इसमें सुझाव देना चाहते हैं, क्या चीज़ें आप पढ़ना चाहते हैं, क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आती है। बच्चों आपके लिए हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं, बस आप बताइए कि कैसा है। ठीक है भास्कर जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू भास्कर जी। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं बच्चों, जो चीज़ें ना समझ में, आप लोग बिल्कुल पूछिएगा, ये नहीं कि सर नहीं पूछेंगे, सर डांटेंगे, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। जो चीज़ ना समझ में आई, देखिए एक टीचर, असली टीचर वही होता है, टीचर धर्म सार्थक तभी होता है कि जब वो किसी कमजोर बच्चे को एक एवरेज या फिर टैलेंटेड बना दे। ठीक है, तो मैं बच्चों आप लोग को क्या करने वाला हूँ, अच्छा बनाने के लिए आया हूँ, ये नहीं कि आप लोग जैसे वैसे छोड़ने वाला हूँ, बिल्कुल नहीं। चलिए, एबव बोर्ड, एबव बोर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, ईमानदार तथा स्पष्ट, ईमानदार तथा स्पष्ट, ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, फ्रैंक मीन्स कहते हैं ना, बहुत ही फ्रैंकली इंसान है बच्चों, बिल्कुल ऑनेस्टली इंसान है, उसी को कहते हैं बच्चों एबव बोर्ड। ही इज ऑलवेज एबव बोर्ड इन हीज डीलिंग विद हीज कस्टमर्स, मतलब बच्चों क्या करता है कि वो सदैव ही अपने कस्टमर के साथ ईमानदार तथा स्पष्ट रखता है, भावना जो होती है। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है तो लाइक ठोक देना वीडियो पे, बिल्कुल लाइक ठोक देना, बिल्कुल छोड़ना मत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एन एपल ऑफ डिस्कॉर्ड और ए बोन ऑफ कंटेंशन, एन एपल ऑफ डिस्कॉर्ड और ए बोन ऑफ कंटेंशन, इसका मतलब होता है बच्चों झगड़े का कारण, झगड़े की जड़, क्या होता है, झगड़े की जड़। अबे दो लोगों के बीच बच्चों क्या होता है, झगड़ा होता है तो क्या कहते हैं, कहते हैं झगड़े की जड़ तुम ही हो, एक दूसरे को कहते हैं नहीं तुम्हारी वजह से झगड़ा हुआ है, तो बच्चों झगड़े की जड़ क्या होगा, एन एप्पल। ठीक है, ग्रामर होता है या ग्रामर सर, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, आपने क्या किया है बच्चों, ग्रामर होता है, जो पहली वाली आपकी स्पेलिंग है ग्रामर, ठीक है, मैं एक मिनट यहाँ लिख देता हूँ, ग्रामर होता है बच्चों, ग्रामर, ठीक है, ए जी आर ए डबल एम ए आर, ग्रामर, ठीक है, ए है आप लोग की स्पेलिंग, ठीक है, क्या है बच्चों, ग्रामर की स्पेलिंग क्या है, जी आर ए डबल एम ए आर, ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए क्या होता है, ग्रामर की स्पेलिंग आप लोग की क्या हो जाएगी, जी आर ए डबल एम ई डी आर ए, ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, डबल एम ए आर, ठीक है, ग्रामर आप लोग का हो गया, क्लियर हो गया बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखें, चलो आगे देखो बच्चों क्या है, एक मिनट रुक जाइएगा थोड़ा सा, एक मिनट, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, एन डेजर्स ड्रॉन, एन डेजर्स ड्रॉन, ठीक है, क्या होता है बच्चों, एन डेजर्स ड्रॉन, ठीक है, एन डेजर्स ड्रॉन, क्लियर है। ठीक है, एन डेजर्स होगा बच्चों ड्रॉन, अब इसका मतलब क्या होगा इन्हें समझेंगे आप लोग। ठीक है, एन डेजर्स जो ड्रॉन मैंने बोला है इसका मतलब क्या होता है, इन्हें आप लोग क्या करेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, अब देखिए एन डेजर्स मतलब होता है ओपन बेटर एनिमीज, ओपन एनिमिटीज, बिटर एनिमी, सॉरी बच्चों बेटर नहीं बिटर है, बिटर एनिमी, घोर शत्रुता, इसका मतलब क्या होता है, घोर शत्रुता। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, घोर शत्रुता हो जाएगा, मतलब एकदम एक दूसरे के खून का प्यासा हो जाना, मतलब होता है ना कि एक दूसरे को घोर शत्रुता हो गई, एकदम मार ही देंगे, होता है ना, आपने देखा है ना, घोर शत्रुता होगा बच्चों,
ओपन एनिमिटी बीटर एनिमीज, ओपन एनिमिटीज बीटर एनिमीज, एट डेजर्स ड्रॉन, घोर शत्रुता। ठीक है, राणा प्रताप एंड अकबर वर एट डेजर्स ड्रॉन विद इच अदर। अर्थात बच्चों, राणा प्रताप और अकबर क्या हैं? एक दूसरे के घोर शत्रु हैं, अर्थात वे एक दूसरे को मार सकते हैं, इतने बड़े शत्रु हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अगेंस्ट द रेन फॉर हार्ड डेज, अर्थात बच्चों ये बुरे दिनों के लिए कहा जाता है। ए वर्ड जब भी आप लोग का शुरू किया जाता है, यूज किया जाता है बुरे दिन के लिए, फॉर हार्ड डेज जो बुरे दिनों होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। एवरी पर्सन शुड सेम, ठीक है, सेव समथिंग अगेंस्ट द रेनी डेज। क्या करता है बच्चों, प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है, कुछ कमाता है तो सेव करके रखता है ना, बचा के रखता है ना, किस दिन के लिए रखता है, बुरे दिन के लिए। ठीक है, क्या करता है, जो कुछ भी कमाता है बच्चों वो क्या करता है, अपने बुरे दिनों के लिए कुछ ना कुछ क्या करता है, बचा के रखता है। क्या करता है बच्चों, बचा के रखता है। आप लोग भी क्या करेंगे, बुरे दिनों का इंतजार नहीं करेंगे, बचा के पहले ही रख लेंगे, आप लोग पहले ही पढ़ लेंगे। क्या करेंगे बच्चों, पढ़ लेंगे। अरे चला, समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, समझ रहे हो ना, आप लोग पहले ही पढ़ लेंगे। हाय हाय यूपी विलाग जी, ठीक है, क्या है, आप पहले ही पढ़ लेंगे, दिनों के लिए नहीं इंतजार करेंगे, समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ बच्चों। एग्जाम खत्म, फिनिश्ड सिलेबस, गर्दा गर्दा धुआं धुआं कर देना एग्जाम में, इतना कर देना। ठीक है, थैंक्स सर, अरे वेलकम वेलकम, सभी का वेलकम है बच्चों, जितने लोग जुड़े हो ना, बिल्कुल बिंदास पढ़ो बाबू, ठीक है, बिंदास पढ़ो चला, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपकी इंग्लिश तो इतनी अच्छी करा दूंगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते, इतनी अच्छी, बस रेगुलर क्लास लिया करो। अब रेगुलर हमने अनाउंस कर दिया है, बिग अनाउंसमेंट कर दिया आपके लिए, क्या कर दिया है, बिग अनाउंसमेंट, रेगुलर का क्लास होगा, नो संडे नो मंडे, हर रोज का क्लास, पेपर डिस्कस करवा दूंगा बेटा पेपर के पहले ही, देखो कितना गर्दा गर्दा हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल शशांक जी, ठीक है बिल्कुल, अब मैं आपको यूपी व्लॉग नहीं करूंगा, शशांक कहूंगा, ठीक है बेटा, ठीक है ओके, चलो चलो आगे चलते हैं, आगे देखो क्या है बाबू। ठीक है, क्या बता रहा था मैं, बुरे दिनों के लिए ना, एट अगेंस्ट, सॉरी अगेंस्ट द रेनी डे, ये तो आप समझ गए हो ना, अगेंस्ट द रेनी डे का मतलब क्या होता है, फॉर हार्ड डेज, अर्थात बुरे दिनों के लिए, जो हम कमाते हैं कुछ बचाते हैं, तो आप अपना बुरा दिन मत आने देना बेटा, आप पहले पढ़ लेना। ठीक है, एट आर्म्स लेंथ, इसका मतलब ये होता है बच्चों दूर, एट अ डिस्टेंस, क्या होगा, दूर, एट अ डिस्टेंस, बोलो ना, एट अ डिस्टेंस, दूर, एट आर्म्स लेंथ अर्थात एट अ डिस्टेंस, दूर, समझ रहे हो ना कहने का मतलब। द फादर एडवाइज हिज सन टू कीप हिमसेल्फ एट आर्म्स लेंथ फ्रॉम बैड बॉयज, समझ गए बच्चों, पिता ने क्या कहा बच्चे से, और मैं भी आपसे यही कह रहा हूं, बिल्कुल टेंथ का क्लास चलता है बच्चों, आठ बजे आधे घंटे का क्लास टेंथ का रहेगा, उसके बाद 8:30 बजे से इंटर का रहता है। ठीक है, ऑनलाइन क्लास ही चलता है बाबू, ऑनलाइन ही क्लास, बिल्कुल एकदम ऑनलाइन, सब क्लास ऑनलाइन चलेंगे, टेंशन मत लीजिए आप सभी लोग, सभी क्लासों की धीरे धीरे मैं व्यवस्था कर दे रहा हूँ, इसके बाद साइंस की भी मैं लेके आ रहा हूँ क्लास। ठीक है, बस थोड़ी सी व्यवस्थाएं मैं कर दूँ। ठीक है, तो क्या बता रहा था बच्चों कि फादर एडवाइस सन टू कीप हिमसेल्फ, फादर ने अपने सन को एडवाइस किया, क्या एडवाइस किया बच्चों, ठीक है, एडवाइस किया बच्चों कि क्या किया, कि वो बैड बॉयज से दूर रहेंगे, एट आर्म्स लेंथ, अभी क्या बताया हूँ। ठीक है, बिल्कुल अभी इंग्लिश का, अभी इंग्लिश का अनाउंसमेंट हुआ है, चिल्ड्रेन डे के मौके हमने बच्चों को तोहफा दे दिया इंग्लिश का क्लास अनाउंस करके। ठीक है बच्चों, बाकी क्लास भी अनाउंसमेंट हो जाएंगी, बहुत जल्द हो जाएंगी बच्चों, सारी चीजें आप लोग के फेवर में हो जाएंगी। ठीक है, तो एट आर्म्स लेंथ का मतलब समझ गए बच्चों, एट डिस्टेंस अर्थात की दूर, और फादर ने सजेस्ट किया कि बैड बॉय से दूर रहिए। चला, मैं आप लोग को भी कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ बेटा, आप लोग भी बैड बॉय से दूर रहेंगे, बैड सोसाइटी से दूर रहेंगे, बुरी संगति से दूर रहेंगे। ठीक है, बुरी संगति से दूर रहेंगे ताकि बच्चों आप कुछ कर सको अपने लाइफ के लिए, सेल्फिश बन जाओ ना दोस्तों, से छोड़ो यार, सेल्फिश बन जाओ, खुद के प्रति अपने भविष्य के प्रति सेल्फिश बन जाओ, देखो आपका भविष्य कैसे नहीं सुधर रहा है, गर्दा गर्दा मचा दोगे बाबू, धुआं धुआं कर दोगे, मुझे विश्वास है तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। ठीक है, तुम कर सकते हो, लेकिन आप कर नहीं रहे हो, आप सोच रहे हो कि अरे सर, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, आप कर सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एन एक्स टू ग्रिंड, एन एक्स टू ग्रिंड,
पर्सनल एंड टू सर्व, अर्थात अपना स्वार्थ सिद्ध करना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना, एन एक्स टू ग्रेंड, अपना स्वार्थ सिद्ध करना, पर्सनल एंड टू सर्व। पीपल डू नॉट ट्रस्ट दोज हु हैव एन एक्स टू ग्रेंड। क्लियर है? समझ रहे हो बच्चों? समझ रहे हो तो बोलो यस सर, समझ में आ रहा है, यस सर समझ में आ रहा है, बोलो बच्चों। और बेटा वीडियो को बिना लाइक करे जाना मत, बहुत मेहनत से आपके लिए मैं ये क्लासेज लेके आ रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल लाइक ठोक दो ना बाबू, ठोक दो, चला लाइक ठोक दो। चलो आगे देखते हैं। एट द इलेवेंथ आवर क्या होगा बच्चों? अंतिम समय पर, एट द लास्ट मोमेंट अंतिम समय पर क्या है बच्चों? एट द इलेवेंथ आवर क्या होगा बच्चों? अंतिम समय पर। देखिए, इफ यू बिगेन योर स्टडीज एट द इलेवेंथ आवर यू कैन नॉट बी श्योर टू पास। बिल्कुल बेटा सही है, बिल्कुल सही है बात बोला, ठीक है? जो सेंटेंस है इससे आपको कुछ सीखना चाहिए। इफ यू बिगेन योर स्टडीज, यदि आप अपनी स्टडीज की शुरुआत कर रहे हो एट द इलेवेंथ आवर अर्थात अंतिम समय पर, यू कैन नॉट बी श्योर टू पास, ठीक है? आप निश्चित ही पास नहीं होगे बच्चों। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ, समय रहते आप अपनी पढ़ाई को शुरू कर दीजिए। क्या कीजिए? समय से पहले सिलेबस को खत्म कर लीजिए ताकि आप रिवाइज कर सको। क्या कर सको बाबू? रिवाइज कर सको। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? रिवाइज कर सको। एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम समय के लिए मत छोड़िए। एट द इलेवेंथ आवर अर्थात बच्चों क्या है? अंतिम समय पे मत छोड़िए अपनी स्टडी को, अंतिम समय के लिए मत छोड़िए। इफ यू बिगेन योर स्टडीज एट द इलेवेंथ आवर यू कैन नॉट बी श्योर टू सक्सेस, आप निश्चित ही पास नहीं होंगे, ठीक है? मेरा नाम बेटा सूर्य प्रताप है, सूर्य प्रताप, प्यार से मुझे बच्चे एसपी सर के नाम से बुलाते हैं। मेरे बहुत ही ऑफलाइन बच्चे, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, जितने भी मेरे बच्चे हैं ऑफलाइन के, मेरे कोचिंग के बच्चे, मेरे स्कूल के बच्चे, सभी बहुत ही प्यारे बच्चे हैं बच्चों, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। और आप लोग भी बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, मुझे पता है कि आप लोग बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। आप लोग के साथ भी मुझे समय बिताने का मौका मिल रहा है, अभी मैंने शुरू किया हुआ है, मुझे विश्वास है कि एक दिन मेरा ऑनलाइन का भी फैमिली बन जाएगा और आप लोग के साथ भी मेरा अटैचमेंट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। जब हम लोग रेगुलर क्लासेज में आएंगे तो अटैचमेंट बढ़ेगा ना, हमारा एक दूसरे से लगाव ना होगा बाबू, समझ रहे हो ना चला मैं क्या कह रहा हूँ? एक दूसरे से लगाव ना होगा, हम एक दूसरे को जानेंगे समझेंगे ना। अभी आपने पूछा, आपने बताया कि सर मेरा नाम ये है, मैंने आपका, आपने मेरा नाम पूछ लिया, तो इस तरह से अभी भी यूपी बिलाग ने अपना नाम बताया कि सर मेरा शशांक नाम है, ठीक है? अभी अभी आपने मेरा नाम पूछा तो बच्चों अटैचमेंट ना बढ़ रहा है हमारा एक दूसरे से, ठीक है? आइए आगे देखते हैं। एट ए स्टेंस थ्रो इसका मतलब होता है बच्चों नियर, मतलब जानते हो ना? अरे डियर, नियर नहीं समझे? डियर नियर समझो, नियर मीन्स पास। क्या होगा डियर? नियर मीन्स पास होता है। एट ए स्टोन्स थ्रो योर अंकल लिव्स एट ए स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई हाउस। तुम्हारे अंकल क्या करते हैं? मेरे घर से नजदीक रहते हैं, पास में रहते हैं भाई, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल भास्कर जी, थैंक यू नाम बताने के लिए, थैंक यू, ठीक है? चलिए अब आप लोग से यही उम्मीद है बच्चों कि हर रोज रेगुलर क्लास में आएंगे और हमारा अटैचमेंट, हमारा प्यार इसी तरीके से बना रहेगा, हम एक दूसरे के लिए कार्य करते रहेंगे, हम कोशिश करेंगे बच्चों कि आपका 1% नुकसान ना हो। जितना मैं पढ़ाऊंगा बिल्कुल आप लोग के लिए क्या करूंगा बच्चों, कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाऊंगा ताकि आपका कोई भी नुकसान ना हो सके, ठीक है? चलिए बच्चों, आवाज आ रही है सभी को, ठीक है? चलो आगे देखते हैं, क्लास को जारी रखते हैं बच्चों, क्लास को आगे, ठीक है? चलिए, एट ए स्टोन थ्रो का मतलब क्या हुआ बच्चों? नियर या पास। योर अंकल लिव्स एट ए स्टोन थ्रो फ्रॉम, ठीक है, स्टोन थ्रो फ्रॉम माई हाउस। क्लियर है? समझ में आ गई बाबू? चलिए आगे देखते हैं बच्चों, आज हम 20 कंप्लीट करके जाएंगे, 15 पे पहुंच चुके हैं, तो आप लोग भागिए मत, ठीक है? अंत तक बने रहिए, 5 की और बात है बाबू, कहाँ परेशान हो, ठीक है? 5 की और बात है, आप लोग भागिए मत, पूरा कंप्लीट करके जाइएगा, ठीक है? ताकि हम भी आप लोग के साथ जाएं और, ठीक है, क्लियर है ना? चलिए, एट लार्ज का मतलब होता है बच्चों फ्री, स्वतंत्र। फ्री मतलब क्या होता है? स्वतंत्र है। द प्रिजनर इज एट लार्ज आफ्टर टिपिंग द जेलर। क्लियर है बच्चों? टिपिंग द जेलर, उससे क्या हो गया? एट लार्ज का मतलब क्या हो? स्वतंत्र हो गया। उसी तरह से अगला देखिए, एट एंड अभी आपने इसके पहले भी एक पढ़ा था, देखिए ध्यान से, ये क्या पढ़ा था बच्चों?
आप लोगों ने 14 नंबर का 8 स्टोन थ्रो उसका मतलब भी नियर था, और अब मैं जो आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ 16वें नंबर पे 8 हैंड इसका मतलब भी नियर है। माय कॉलेज इज जस्ट 8 हैंड फ्रॉम माय हाउस, मेरा कॉलेज जो है बिल्कुल मेरे घर के नजदीक है। एट रेंडम देखिए, एट रेंडम विदाउट एनी एम बिना किसी उद्देश्य के द सोल्डर्स फायर्ड देयर गन्स एट रेंडम। क्लियर है बच्चों? ए बेड ऑफ रोजेस क्वाइट कंफर्टेबल फूलों की सेज। द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज नो बेड ऑफ रोजेस, जो क्या है बच्चों, पोस्ट है किसकी है बच्चों, पोस्ट है किसकी, प्राइम मिनिस्टर की, वो फूलों की सेज थोड़े। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब क्या होगा बच्चों, परफेक्ट ऑर्डरली अरेंजमेंट सुव्यवस्थित रूप से। द कीप्स हर बुक्स इन एप्पल पाई ऑर्डर। क्लियर है? और आज का लास्ट आप लोग का बच्चों, आज का लास्ट आप लोग का है ऑल ग्रीक एंड लैटिन, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझने में बहुत कठिन। क्या है बच्चों? सर किप्स एंड किप्स हर बुक्स, सॉरी बच्चों एक मिनट, क्या है वेरी डिफिकल्ट वाला है ना, सॉरी। हिज लिटरली स्पीच वाज ग्रीक एंड लैटिन टू मोस्ट फॉर अस। क्लियर हो गया? समझने में बहुत ही कठिन है भाई। क्या है जो लिटरेरी है, जो आप लोग की स्पीच है, वो समझने में बहुत ही कठिन है। आई थिंक आप लोग का बच्चों आज का ये 20 का 20 टोटल आप लोग को समझ में आया होगा। 20 आज हमने कंप्लीट किया बच्चों। और आप लोग को एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि आज हमने 20 आइडियम कंप्लीट कर लिया है बच्चों। कितने? 20 हमने कंप्लीट कर लिया है, और आगे भी हम कल 20 लेके आएंगे। टॉप 20 कल भी हम लेके आएंगे बच्चों आपके लिए, टॉप 20 कल भी आएगा। तो दोस्तों को बता दीजिएगा कि ज्ञान गुरु एकेडमी पे आपके लिए बिल्कुल शानदार क्लास चल रही है। धुआं धुआं मचा देंगे जितना चला। यदि आपका साथ जिस दिन मिल गया पूरा सपोर्ट ना, आप लाइव लाके दिखाओ ना बच्चों को, देखो हम कितना मेहनत कर रहा हूँ, गर्दा मचा दिया जाएगा। ठीक है 20 वाला रिव्यू बिल्कुल रिव्यू कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रिव्यू कर देना है। ठीक है, देखिए 20 वाला मैं रिव्यू कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए 20 वाला क्या है, ऑल ग्रीक एंड लैटिन का मतलब होता है बच्चों वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब किसी चीज को, ठीक है मतलब क्या होगा बच्चों, किसी भी चीज को क्या कर पाना, ठीक है, समझने में बहुत कठिन होना, वेरी डिफिकल्ट, समझ लीजिए वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड भी समझना होता है ना, डू यू अंडरस्टैंड, जब हम आपको पढ़ाते हैं बच्चों ऑफलाइन तो हम क्या कहते हैं, डू यू अंडरस्टैंड यर, तो आप कहते हैं यस सर आई अंडरस्टैंड। ठीक है, तो उसी तरह से बच्चों ऑल ग्रीक एंड लैटिन इसका मतलब होता है वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब समझने में बहुत ही कठिनाई होना। तो हिज लिटरेरी स्पीच वाज ऑल ग्रीक एंड लैटिन टू मोस्ट ऑफ अस। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? चलिए अब मैं आप लोग को जो सरप्राइज देने वाला था आप लोग को, वो सरप्राइज क्या है वो समझिए। मैंने बोला था ना लास्ट में क्लास के अंत तक बने रहिएगा, आपके लिए सरप्राइज है। तो आज का सरप्राइज आपके लिए यह है बच्चों कि जो आप पीडीएफ की मांग करते थे कि सर हमें पीडीएफ चाहिए, लो हमने आप लोग के लिए पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिया बच्चों। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ जाइए और पीडीएफ हर रोज के क्लास का पाइए, हर रोज के क्लास का, जो भी क्लास होगा आप लोग का, साइंस का, इंग्लिश का, हिंदी का, जो भी होगा बच्चों, मैथ का, सबके पीडीएफ आपको मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे बच्चों? आपके टेलीग्राम चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी पे। तो इसका लिंक मैं वीडियो खत्म होने के कुछ देर बाद मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा बच्चों, अभी दे दूंगा। ठीक है, यहाँ से मैं क्या हुआ, वीडियो खत्म होने के बाद दे दूंगा। चलिए, एक सरप्राइज तो आपने देखा बच्चों, दूसरा सरप्राइज भी आपके लिए है। आपका ज्ञान गुरु एकेडमी का बना दिया गया बच्चों, क्या बना दिया गया, ज्ञान गुरु एकेडमी का आपका टेलीग्राम ग्रुप बना दिया गया। यहाँ पे क्विजेस मैं दूंगा आप लोग को, क्विज दिया करूंगा, ताकि आप अपने क्विज के द्वारा, इंग्लिश के क्विज, साइंस के क्विज, क्विज के द्वारा आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें।
ठीक है बच्चों, क्विज दिया जाएगा बच्चों, तो इसका भी लिंक मैं आप लोग के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कहाँ पे दे दूंगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आपके, किसका बच्चों? टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैं दे दूंगा। ये आपका अपना चैनल है, चाहे टेलीग्राम का हो, चैनल का हो, टेलीग्राम चैनल हो बच्चों, या इंस्टाग्राम चैनल हो। और यदि यह वीडियो आप क्या देख रहे हैं बच्चों, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, ज्ञान गुरु एकेडमी पे, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। उसका भी लिंक आप लोग को कहाँ मिल जाएगा बच्चों? फेसबुक चैनल का लिंक भी आप लोग को मिल जाएगा, फेसबुक जो पेज है उसका भी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो बच्चों, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था आप लोग के लिए। यदि कोई क्वेरी रह गई हो तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो भी कमेंट कर दीजिएगा बच्चों। मैं ऑल टाइम आपके, जब भी समय मिलेगा मैं ऑफलाइन आपके क्लासेस, आपके कमेंट को देख लूँगा, और जो भी आपको कोई डाउट हो बच्चों आप तुरंत हमें बताएं, ताकि मैं आपके डाउट को सॉल्व कर सकूं। ठीक है, क्लियर हो गया आज की वीडियो? आपको समझ में आई? चलिए ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना